अब तक आपने देखा जा प्रभा पर अपना ये रंग चढ़ा जो उस रीति का रंग उतार दे, समझ गई? रुको, माजी काजल दीदी क्यों आई थी साड़ी लौटाने के लिए? इतनी सी बात के लिए खुद चलकर यहाँ आ गई? कुछ तो है, क्या हो सकता है? अब आगे हेलो, हाँ जी मैनेजर साहब बताइए। शैली मेरा लोन अप्रूव हो गया? ग्रेट, थैंक यू सो मच। यू हैव नो आइडिया आपने मुझे कितनी अच्छी न्यूज बताई है। थैंक यू सो मच मिस्टर विभोर, बस एक लास्ट फॉर्मेलिटी बाकी रह गई है जिसे आप आज अभी आकर पूरी कर दें। प्लीज बताइए ना, आप अभी बैंक आ जाइए अपनी वाइफ को लेकर। अपनी वाइफ को लेकर? एक्चुअली एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना बाकी रह गया है जिसमें आपके और आपकी वाइफ के दोनों के सिग्नेचर लगेंगे। मतलब लाना ही पड़ेगा? क्यों, वो क्या कहीं बिजी है क्या? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब उनके बिना काम नहीं हो सकता। As in, वो फॉर्म मैं घर पे उनसे साइन करा के ले आऊंगा। एक्चुअली कुछ फ्रॉड हुए हैं जिसकी वजह से बैंक ने ये स्ट्रिक्ट रूल बना दिया है कि नॉमिनी को बैंक आना ही होगा। देखिए बस दो मिनट की बात है, लेकिन ये काम नहीं होगा तो फिर लोन प्रोसेस नहीं होगा। ओके बाय। कहां फंस गया यार, क्या करूं अब? विभोर, वो माँ ने कहा है कि रात में घर में जगराता है, इसलिए जल्दी घर वापस आ जाना। सुनो तुम तैयार हो जाओ, हमें कहीं चलना है। हमें कहाँ? यार तुम जाके कपड़े चेंज करो ना, रास्ते में बताता हूँ। और हाँ माँ से परमिशन ले लेना। पक्का साथ में चलना है? हाँ यार बोल रहा हूँ ना, जाओ जल्दी जाओ। मेरा कोई भी काम इसके बिना क्यों नहीं हो सकता? कुछ भी करना हो, कोई भी काम हो, इसकी जरूरत पड़ी जाती है। इस नॉमिनेशन फॉर्म पे हमने रीति जी के सारे डिटेल्स फिल कर दिए, आप प्लीज साइन कर दीजिए। अब हमें आप लोगों की एक कंबाइंड फोटोग्राफ चाहिए। कंबाइंड फोटो तो हम लाए नहीं। नो इशू, हम अभी खिंचवा लेंगे। हेलो कौशिक, जरा अंदर आना, एक फोटो लेनी है। कम इन। इन लोगों की एक फोटो खींचनी है, आप दोनों प्लीज साथ साथ में खड़े हो जाइए। बहुत फॉर्मेलिटीज है ना, आप दोनों जरा पास में आइए। थैंक यू। ठीक है सर, अगर सारी फॉर्मेलिटीज हो गई हो तो कैन वी लीव? एक मिनट प्लीज चेक कर लेने दीजिए। इट्स ओके, ऑल डन। मैडम
आप ये कॉपी लेके जाइए। बाद में दे देते ना। सॉरी सर, पता नहीं था मुझे। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कौन से पेपर है ये? ये वो एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ पीयूष, फाइनली अप्रूव हो गया। आई एम वेरी हैप्पी यार। I'm really sorry, madam. It's okay. मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये लीजिए विभोर बाबू, आपकी मनपसंद आलू टिक्की। तुम्हें आलू चाट पसंद है? सालों से तो हम यही खिलाते आ रहे हैं बाबू को। अरे इतना क्यों शर्मा रही हो? शादी के बाद हर लड़का अपनी वाइफ को अपने हाथों से खिलाता है। सच्ची? हाँ, इनसे पूछो। क्यों भाई, आप भी भाभी जी को हाथों से खिलाते हो ना? देखो आप क्या खाएंगी? पुचका। ये लीजिए। अरे मुझे क्यों दे रहे हैं, मैं थोड़ी खाता हूँ। पता है बाबू आप नहीं खाएंगे, लेकिन बहन जी को तो खिलाएंगे ना अपने हाथों से। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जुगल भैया आप रहने दीजिए ना, माँ है ना, वो कर लेंगी सब।
आप बुरा मत मानिए, हमारा जुगल पूजा पाठ में बहुत निपुण है, घर के सारे धार्मिक कार्य यही करता है। वाह, क्या भाग्य है इस घर के, जहां इतनी छोटी उम्र में भगवान के लिए इतना समर्पण। आज तो मैंने सारी पूजा विधि कर दी है, फिर कभी जुगल की भी पूजा विधि जरूर देखूंगी। का फल माता की चौकी में, इसकी क्या जरूरत थी? दुनिया की चाबी पैरवी भाभी, यही तो अंतर है बेटा तुम में और हम में। जो तुम्हारे लिए आम है वो हमारे लिए खास है। रीति बियानी, तुम में और तुम्हारे किस्मत में बस एक पूजा का फासला है। पूजा शुरू होने के पहले बाहर से आई हो और पूजा खत्म होते ही बाहर जाओगी। सब लोग आ गए क्या? अगर आ गए तो पूजा प्रारंभ करें। अरे नहीं, अभी बाऊजी और स्वरूप जी को भी आना है। महीने का आखिरी दिन है, दुकान पर हिसाब किताब चल रहा है, वो लोग आ नहीं पाएंगे। समधन जी, जिनको आना था वो आ चुके, अब आप माता जी का जगराता शुरू कीजिए। हाँ। हे माता, इन दोनों के जीवन की सारी गलतफहमी को दूर कर दे और इन्हें बहुत पास ला दे। प्रेम से बोलो अम्बे मात की। अरे बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रवाली मैया, सारे चक्की माँ और दूसरी विभोर की माँ। तू चाहे या ना चाहे प्रभा, आज तुझे मैं नचाऊंगी सबके सामने, सब कुछ भुलाकर। भैया
हे माँ, इस घर को दुश्मनों की बुरी आंख, बुरी चाल से बचाकर सुख शांति और समृद्धि दे और मेरे विभूर का वो सपना पूरा कर दे जो उसने देखा है। ये क्या अनर्थ हो रहा है, ऐसा हो नहीं सकता है। कल पूरी रात जागकर मैंने विभोर के नाम की पूजा की है, उसकी माँ को आज माता के सामने नाचना ही होगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने टोटका तो विपुर की माँ पे किया था, लेकिन ये मनभरी क्यों नाच रही है? जो है वो दिख नहीं रहा है और जो दिख रहा है वो है नहीं। मेरी पूजा असफल नहीं हुई है, इस घर के रिश्ते असफल हुए हैं। मैं इस रिश्ते के पीछे का सच जान के रहूंगी। बड़ा हुआ है इस घर में, बहुत बड़ा। ये पाल जलने का धुआं बता रहा है कि इस घर में, इस परिवार में कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। नाचना तो विभूर की मां को था, प्रभा को, लेकिन
नाची उसकी बहन मन भरी। मेरी स्थिति कभी गलत नहीं हो सकती, कभी गलत नहीं हो सकती है। भैरवी भाभी ये राज जान के रहेगी। दुनिया की चाबी भैरवी भाभी मुझसे ना कुछ छिपाए ना छुपेगा, पाताल में भी सात ताले के अंदर छुपा हुआ राज भी मैं अपनी चाबी से खोल दूंगी। बस कल सुबह का इंतजार कर, कल सूरज की पहली रोशनी के साथ ही इस घर के अंधेरे में छुपा हुआ हर राज मेरे आंखों के सामने होगा। ये भैरवी भाभी का दावा है।